करनाल के ज्वेल्स होटल के सामने एक सरकारी संस्थान के अंदर एक नवजात का भ्रूण मिला है। भ्रूण मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने अपनी जांच तफ्तीश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि करनाल के एक सरकारी संस्थान में एक नवजात का भ्रूण मिला। भ्रूण मिलने के बाद सनसनी फैल गई। भ्रूण को लेकर लोगों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर भ्रूण को कब्जे में लिया और हॉस्पिटल ले गए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ICAR के संस्थान में किसी अज्ञात भ्रूण को किसी ने फेंक दिया है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर भ्रूण को कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। वहीं बच्चे का भ्रूण फेंकने वालों की तलाश की जा रही है। कहां से मिला और क्या मामला है? हमें कंट्रोल से सूचना मिली कि भाई ज्वेल्स के सामने ICAR है, वहां पर कोई नवजात जो बच्चा है भ्रूण, वहां पर उसकी बॉडी पड़ी है, तो उसको हम यहां पर सिविल ट्रामा सेंटर में ले गए हैं, जिन्होंने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हाँ जी, क्या है, लड़का है लड़की? लड़का बताया। तो प्रथम उसमें क्या लगा है, फेंका हुआ है कैसे? सर, वो फेंका हुआ है और नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन उसमें हम बता पाए। किसी आसपास के और कहीं वहाँ पर वो अभी देख के बताएंगे भाई क्या मैटर है क्या नहीं। अभी सभी जो भी हॉस्पिटल हैं, जितनी भी डिलीवरी केसेज हैं, एक बार वहाँ पर पता करेंगे किसी के बच्चे को, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे कार्रवाई भ्रूण का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।